हेलो गाइस, डालेंगे ये मैदा है और इसमें रवा डाल लें, पता नहीं कितना डाल लें क्योंकि अभी बताया नहीं गया, वहाँ डाल लें। देखिए तो वीडियो बहुत बड़ी बनेगी, 5-6 GB तो ले जाएगी। आज 4K में शूटिंग करेंगे। नमक, हाँ नमक डाला, नमक ठीक, कहाँ ध्यान था, नमक डाला। नमक कितना डाला? थोड़ा सा नमक पड़ेगा, थोड़ी सी चीनी। चीनी आपको चीनी के क्रिस्टल दिखाई पड़ रहे, क्रिस्टल दिखाई पड़ रहे होंगे, कलर अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा वो डालेंगे, ऑयल 1 चम्मच, आधा चम्मच और थोड़ा सा इसमें दही डालेंगे। थोड़ा सा क्या, 1 कटोरा, कटोरा ही है ना। अब कटोरे में कितना आता है ये पता नहीं क्योंकि कभी नापा नहीं। अब इसको थोड़ी धीमे धीमे गूंदेंगे। इसमें 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एलिजिबल है ये मोबाइल। ज्यादा अंग्रेजी ना निकल ले, ये सारे शब्द हमें आते हैं। इसमें आप पानी डालेंगे, गूंदते हुए कितना डाल, थोड़ा सा देखिए। इसको मार रहे हैं, गूंद रहे हैं, मार रहे हैं, जो मार ही रहे। अब इसको थोड़ी देर पटकेंगे, इतना पटकेंगे तोड़ फोड़ मचा देंगे बिल्कुल। ये देखिए कस के पड़े, अरे मार ठंडा दिया है, हथौड़ा लिया है। वो नहीं जैसे आपने जैपनीज वाला वो देखा, वो नूडल बनाते हैं, एक हाथ से वो पलटता जाता है, दूसरे हाथ से वो हथौड़ा मारता जाता है, वो ही करते हैं हम लोग। आप पलटती जाना, मैं हथौड़ा मारूं। टंग टंग पटको 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 पटको, ये भटूरे की तैयारी हो रही है, ऐसे ही करी जाती है, सीखिए आप लोग। ये आटा हमारा गूंद चुका है, तैयार है। अब इसे ढक के 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे और गीले कपड़े से ढक के रख देंगे। देखिए गाइस, अब टमाटर उबल रहे हैं, इसको पीसेंगे बाद में। और छोले हमारे उबल चुके हैं, ये रात में भिगो दिए थे, इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डाली थी कलर के लिए। और जब इसे सुबह चढ़ाया है गैस पे, तब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। बस अब धीमे धीमे रेडी कर रहे हैं। इसमें काली मिर्च डाल दी है, ये खड़ा मसाला है, ये बड़ी इलायची, हाँ बड़ी बड़ी इलायची, और इसको क्या कहते हैं पता नहीं, आपको पता है तो आप बता देना। और ये दालचीनी और ये छोटी इलायची और बाकी का सब डालेंगे। ये है जायफल, जायफल जाय हाँ जायफल जाय नहीं जाय कोई भी चलो जाए, हाँ वही है,
कोई भी चलो जाए नाम है इसका। अब इसको भूनना है, धीमी आंच पे। देखिए गाइस भून गया है, खुशबू आ रही है। हाँ हाँ काड़ी वाली। तीन चम्मच धनिया डालेंगे अब, और हल्दी डालेंगे एक चम्मच, और मिर्च डालेंगे पता लग जाएगा डेढ़ चम्मच। और कुछ डालना है? नहीं डालना। और ये कश्मीरी लाल मिर्च दो चम्मच, डालती सब। एक चम्मच काला नमक, और कुछ नहीं डालना। देखिए आज फोर के में दिखाएंगे। दो चम्मच छोले मसाला, किचन किंग नहीं है, गोल्डी का छोले मसाला, इसी का बढ़िया आता। तेल डाल दिया है, अब इसमें हींग डालेंगे तीन चुटकी, और थोड़ा सा जीरा डालेंगे समथिंग एक चम्मच, नहीं दो चम्मच, नहीं डेढ़ चम्मच, सवा चम्मच। और ये जीरा पिसा, अरे वो प्याज पिसा रखा है, इसमें खड़ा धनिया डाला है, अब ये इसमें डालेंगे। बस यही वाला फीचर एम आई में नहीं था, नोकिया में है उसके बनाने वाला। और ये गार्लिक पेस्ट है, लहसुन और उसका अदरक वाला वो डाल दिया है। आप पांच पांच वाले तीन पैकेट ला, चार पैकेट ला सकते हैं, चारों डाल देना। दो बड़े, हाँ तो दो बड़े। अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, प्याज पिसा नहीं है। प्याज हटाओ, खड़ा मसाला डाला है, अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे। टमाटर वाली प्यूरी डालेंगे, मसाला कौन सा गया है उसमें प्यूरी डालेंगे। इसमें एक चीज और स्पेशल डालेंगे, वो थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। इसमें नमक डाला है स्वाद अनुसार, दो चम्मच क्रीम डालेंगे, मतलब मलाई डालेंगे, इससे अमीरी आ जाएगी छोले में, इंग्लिश में रिचनेस। और मलाई ना हो तो आप अमूल क्रीम भी डालो। छोले डाल दिए हैं, दिखने में तो बहुत सुंदर।
सॉलिड लग रहा है। देखिए गैस छोले रेडी हैं लगभग में बन के, एकदम खतरनाक वाले, बढ़िया खुशबू आ रही, एकदम मुंह में पानी आ जाए। ये रायता किसके लिए ना? स्टार्ट हो गए, अब चिपकन लोग इतनी देर से है जब, अगर जैसी वीडियो बनने लगी सही चिपकने लगा। जो इसमें पानी लगा रहे हैं पीछे की साइड, अब कुलचा रेडी है अपना सिकने के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ये ऑयल में नहीं सिकता है, इसको पानी डाल के ही सेकते हैं और इसको ढक देंगे। देखते जाइए सिक रहा है क्या। अब इसको रोटी की तरह सेकेंगे, फिर इसमें देसी घी लगा के सर्व कर देंगे और